हाय गाइस, तो आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। तो मम्मी है हमारी जो साग काट रही हैं। साग को हमने अच्छे से छांट लिया था, साफ कर लिया था, तो अब इसकी हो रही है कटिंग। तो मम्मी दराती से साग को कट कर रही है, बारीक बारीक। देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से मम्मी दराती से साग को काट रही है। तो हम इस साग की कटिंग कर लेते हैं, एंड तक बने रहना। मैं आपको दिखाऊंगी कि चूल्हे के ऊपर हम सरसों का साग कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा, सादा सा जो भी हमारा तरीका है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो ये साग की हो रही है कटिंग। इसके बाद हमें चूल्हा जला के चूल्हे के ऊपर बनाएंगे हम साग। तो वीडियो के एंड तक देखना। और ये अब हो रही है साग की कटिंग। तो साग को मम्मी कट कर रही हैं और फिर हम बनाते हैं चूल्हे पे बहुत ही सिंपल तरीके से सरसों का साग। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सरसों का साग कैसे बना रही है मम्मी, मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी नहीं, मैं बनाऊंगी कटिंग। मम्मी ने करी है साग को, काटा है, देखिए आप कितना सुंदर है मम्मी ने। और उसके बाद चूल्हे के ऊपर मैं बनाऊंगी साग। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। देखो इनकी कितनी तेज स्पीड है, कितना फास्ट साग कटिंग करती है। कटा हुआ साग आपने देख लिया है। तब हम इसे धोते हैं, वॉश करते हैं। मैंने बाल्टी में साफ कर लिया है, पानी चला दिया है। तब हम चूल्हे के ऊपर बनाते हैं सरसों का साग। तो गाइस, हमने दो तीन पानियों में अच्छे से धो लिया है साग को। तब हम मैं चलती हूँ चूल्हे पे। तो गाइस देखो, चूल्हे में आग जल गई है। हमने पतीली रख दी है, उसमें है पानी गरम, बहुत सारा पानी है। निकाल लेती हूँ थोड़ा सा। आ गया है हमारा साग भून के। और इधर है चूल्हा और इधर है पानी, पतीली में रख दिया है। और चूल्हा हमारा बहुत ज्यादा खूबसूरत है, देखिए आप, बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए
साफ करना, कटिंग करना, फिर उसके बाद धोना और फिर गर्म पानी रखना, नमक मिर्च और अदरक डालना, आप लहसुन भी डाल सकते हो, और फिर साग ऐड करना। तो अब इसे पकने के लिए हमें रख देना है। अब इसके नीचे जलानी है अच्छी सी आग। कर दो बंद। देखिए आप, पतीली में साग हमने चढ़ा दिया है, देखिए आप। अब इसके नीचे जलानी है अच्छी सी आग और फिर बनाना है हमें साग को, अच्छे से पकाना है। और हमारा चूल्हा देखो कितना साबुत है, कितना साफ सुथरा सोना है। गाइस देखो, हमारा जो साग है वो अच्छे से रिझ रहा है, पक रहा है, देख सकते हो आप। कपड़ा नहीं है कोई। तो गाइस देखो, हमारा जो साग था वो पक चुका है, देखिए आप, अच्छे से रिझ गया है, गल गया है। तो अब हम इसमें लगाएंगे आलन। हम इसमें पहले इसे घोट लेते हैं, ठीक है, मैं घोट के दिखाती हूँ आप। आ रही है ऊपर। तो गाइस हम पहले इसे ऐसे घोट लेते हैं, फिर आलन लगाएंगे। पैरों से सपोर्ट लेंगे ताकि हमारी जो पतीली है वो इधर उधर ना हो जाए। फिर वाइट वाले चुंगरे बस कर दो बंद। साग में हमें आलू लगाने के लिए चाहिए। और थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, मिलाते जाना है, नहीं तो इसमें फिर इसकी गांठ हो जाती है इकट्ठा इकट्ठा होके। देखिए कोई ज़्यादा मेहनत से हमने साग घोटा नहीं है, ये साग बहुत ही बारीक कटा हुआ था तो इसलिए बहुत जल्दी ही बन गया है और जल्दी ही घुट गया है। देखिए आप, थोड़ा सा धुआं सा आ रहा अभी, तो देखिए आप। अगर आपको मेरी ये देसी स्टाइल में चूल्हे पे बने हुए साग की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो अब इसे मैं चूल्हे पर रख देती हूँ खदकने के लिए, थोड़े से पकने के लिए। तो गाइस अब रखते हैं इसे हम चूल्हे के ऊपर, इसमें थोड़ा सा उबाल आने देते हैं, जो हमने आटा डाला है उसे पकने देंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी ये साग की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। अब हम लगाएंगे इसमें तड़का, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हमें शॉर्टकट में दिखा दिया साग, सिंपल सादा, ठीक है। तो गाइस साग को घोटने के बाद हम इस तरीके से पका रहे हैं साग को, देख सकते हो कि अब मैंने आलन लगा दिया है और अब इसे साग को हम पकाएंगे, क्योंकि जो हमने आटा डाला है वो भी पक जाएगा और साग भी थोड़ा सा और पक जाएगा। देखिए आप, नीचे आग जला दी है थोड़ी थोड़ी और अब इसमें आएंगे एक दो उबाल।